टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नया पीएम बनने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। उन्होंने यह शुभकामना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरा देश ही मेरा परिवार है वाले बयान पर कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा है, हमारी प्राथमिकता भी देश के लोग है, हम भी देशवासियों की आवाज महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता और ध्रुवीकरण के खिलाफ उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये वोट के लिए तजिया पूछते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सनातन के ऋषि मुनि हैं, वो सनातन के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथियों से जुड़े मामले में 7 राज्यों के 17 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। अर्जुन मोढवाड़िया आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। वह संभाजीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा अकोला और जलगांव में रैलियों को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तेलंगाना का दौरा करेंगे। पीएम आज संगारेड्डी में 9021 करोड़ रुपए लागत के कई विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विद्रोह विरोधी संवैधानिक खंड का उपयोग करके डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराने के लिए अलग अलग राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों को खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार डोडा में रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.2 की दर्ज की गई है। यह रात को 9:08 पर भूकंप आया और जानकारी के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ है। टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा ने राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने राम मंदिर को अपवित्र स्थान बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हिंदू को पूजा के लिए राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। छिंदवाड़ा में महाशिवरात्रि की शुभकामनाओं के लिए लगे पोस्टर पर नजर पड़ी तो लोग हैरान रह गए। नई सरकार बनने के 3 महीने बाद अब कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। शेयर बाजार की शुरुआत आज गिरावट पर हुई है। बीएसई का सेंसेक्स 73,800 के करीब खुला है और निफ्टी 22,400 से फिसल कर ओपनिंग दिखा पाया है। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पार्टी के पुराने जुमलों को मोदी की गारंटी के रूप में दोबारा पेश किया है। पालघर में साधु हत्याकांड को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने षड्यंत्र के पीछे की जांच करने के लिए केस सीबीआई को सौंप दिया है। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सहयोगी दलों के नेताओं पर उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। महाराष्ट्र में महागठबंधन के अंदर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन शिंदे गुट की शिवसेना ने 22 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 से फिनकेयर के सभी ब्रांच एयू एसएफबी के नाम से काम करेगी। आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने अपने करियर में दूसरी फिल्म बनाई है। उनकी पहली फिल्म धोबी घाट को तो फैंस का बहुत प्यार मिला था। अब उनकी दूसरी फिल्म लापता लेडीज रिलीज हो गई है और ये फिल्म कमाल करी है। हुमा कुरैशी की महारानी 3 से लेकर सारा अली खान की ए वतन मेरे वतन तक मार्च में एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलने वाला है। इसमें ने कई जाबड़ फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।